दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि जो ब्याज है तिमाही निकालना है, यानी क्वार्टरली निकालना है। तो यहाँ देखिए क्वार्टरली कैसे निकालते हैं। पी हमारा दिया हुआ है 2000, ये चेंज होगा नहीं। रेट है 12%। देखिए जब क्वार्टरली होता है दोस्तों, तो क्वार्टरली का मतलब होता है तीन तीन माह, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने। ये जब तीन तीन माह निकालेंगे हम, ये इसको बोलते हैं एक क्वार्टर, 1 क्वार्टर होता है ये, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर। तो तीन तीन माह का जो जोड़ी बोलते हैं, 4 बार करते हैं, तो ये 12 क्वार्टर इक्वल टू 1 मंथ होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि 12 वर्ष दिया हुआ। तो ये जो 12 वर्ष है, ये हमारा जो रेट है, ये हमेशा जो होता है ना, ये चूंकि 1 महीने में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। और ये हमेशा तीन चार से जब डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा अभी नया जो रेट हो जाएगा वो 3 ईयर हो जाएगा, 3 ईयर। और जो मंथ है, मंथ को हम लोग क्या करते हैं, यानी टाइम जो हमारा है, देखिए 9 मंथ है। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्वार्टरली जब दिया हो तो क्या करेंगे, पहले 9 मंथ को हम अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये ईयर में तब्दील हो जाएगा। अब ईयर में तब्दील होने के बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 से नहीं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 से इरेजर लेना होगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्या करना है, 4 से इसको काट देते हैं और ये 3 से 3 काट देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, नया जो टाइम हमारा 3 हो जाएगा। सॉरी ये रेट नहीं होगा, यहाँ पे ईयर नहीं, ये 3% हो जाएगा। अब जो नया हमारा हो गया, 3% हो गया और 3 ईयर हो गया टाइम। अब हम फिर से, अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था 4 साल के लिए, अब ये 3 साल के लिए बनाना है। तो 3 साल के लिए कैसे बनाएंगे, सेम रेशियो हम पहले लिखेंगे। 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1। मैंने पहले बताया था दोस्तों, ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर ये 3:3:1 ये रेशियो आप नहीं समझ पा रहे कहाँ से आया, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको मैंने बताया है कि कैसे बनाते हैं। अब 3:3:1 हो गया। अब क्या करेंगे, 2000 का 3% निकालेंगे, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 2000 है ना, इस 2000 का 3% निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब इस 60 जो है, ये 60 का फिर हम जैसा बताया कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी, फिर 60 का 3% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6×18 1.8 हो जाएगा। अगेन फिर इस 1.8 का 3% निकालेंगे तो ये 18×54 0.054 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 6×18 180। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.4 हो जाएगा, और ये तो एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.054 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, आंसर हो गया हमारा। तो देखिए 180 और 5, 185 हो गया, 0.4, 0.4, और ये कुछ वैल्यू है 0.0, इसको ना हम कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, CI=। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है मैं समझा रहा हूँ तो 2-3 मिनट में समझा रहा हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में इसको बनाएंगे तो गारंटी से 20 सेकेंड में आप आंसर एज्यूम कर लेंगे कि कितना होगा। ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको वर्बली आप मुंह पे कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं, 20 सेकेंड के अंदर में 185 आप ऑप्शन देख के टिक कर देंगे कितना होगा, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 180 आ रहा, सेकंड वैल्यू आप एज्यूम कर लेंगे कि 5 के आसपास हो रहा। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कितना क्लोज वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग आप आसानी से 185.40 लम्स मार देंगे आप आंसर। तो ये मैंने बताया आपको कि जब क्वार्टरली दिया हो तो क्वार्टरली में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है जो देखते हैं दोस्तों।